टेलीविजन क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। इस शो में वो अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे करते हैं। शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिलता है। केबीसी के मंच पर कंटेस्टेंट अक्सर बिग बी से अपने दिल की बात करते हैं। सक्षम ने बताया कि वो माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। बिग बी करते थे ये काम। सक्षम पराशकर ने बताया कि वो 24 साल के हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। इसके आगे पराशकर बताते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते थे, लेकिन घर वालों की वजह से वो माइनिंग इंजीनियर बने। उन्होंने कहा, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। उन्होंने आगे कहा कि बिहारी पेरेंट्स को सरकारी नौकरी चाहिए होती है। कोयले की खान में करते थे काम। अमिताभ उनसे माइनिंग इंजीनियर बनने के बाद का अनुभव पूछते हैं। इसके जवाब में वो कहते हैं कि सर, मुझे महसूस हुआ कि मुझे माइनिंग नहीं करनी है। बिग बी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, एक और आदमी है जो माइनिंग छोड़कर आया है और आपके सामने बैठा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्मों में आने से पहले अमिताभ धनबाद में कोयले की खान में काम करते थे।